ये देखिए कितने शानदार सीताफल हमारे बगीचे में लगे हुए हैं। एक नंबर सीताफल पकने के बाद ऐसे दिखते हैं सीताफल हमारे। ये देखिए, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसे वनवास के दौरान ये फल माता सीता को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। तब से इस फल का नाम सीताफल के नाम से जाना जाने लगा। ये फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत मीठा होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इस फल को खाने से खून की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तथा ये आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब यह पकने की अवस्था में होता है तो हरे रंग से थोड़ा हल्का पीला हो जाता है। तब इसे पेड़ से तोड़कर 2 से 3 दिन इसे अखबार में लपेटकर एक जगह कार्टून में रख दे तथा 2 से 3 दिन बाद इसे अच्छे से फोड़कर जब आप खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट यह लगता है। बहुत मीठा ये फल होता है। इसको खाने में आप ध्यान रखें कि इसके बीज आपके खाने में न आ जाए। इसको आप 2 से 3 दिन रखोगे, उसके बाद खाओगे तो ये अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगा। वैसे ये पक जाता है, अच्छा पीला दिखने लगता है, बहुत स्वादिष्ट ये फल होता है। आप भी सीताफल के मौसम में सीताफल खाइए। हमारे बगीचे के सीताफल देखिए कितने अच्छे हैं और बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।